खबरों की नई दुनिया न्यूज ट्यूबर हिंदी। पाकिस्तान के सांसद और मशहूर टीवी होस्ट आमिर लियाकत की तीसरी पत्नी उन्हें तलाक देने जा रही हैं। 49 साल के आमिर लियाकत ने जब 18 साल की दानिया शाह से शादी की थी तो इस बात के खूब चर्चे हुए थे, लेकिन ये शादी 4 महीने ही चल सकी। आमिर लियाकत की तीसरी पत्नी सैयदा दानिया शाह ने उनसे तलाक मांगा है, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। अर्जी में सैयदा दानिया शाह ने कहा है कि आमिर लियाकत टीवी पर जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है, वो शैतान से भी ज्यादा बदतर हैं। दानिया शाह ने आरोप लगाया कि आमिर लियाकत उसे मारता पीटता था और एक छोटे से कमरे में बंद कर देता था, खाना तक नहीं देता था। आगे कहती हैं कि परिवार को धमकी भी दी गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिया। तो आज मैं अदालत गई थी आमिर लियाकत से अलीहदगी पाने के लिए। तो बाकी की सारी मालूमात आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी, जितने भी प्रूफ मालूमात सब आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। आमिर लियाकत और दानिया शाह की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। दानिया शाह आमिर लियाकत से 31 साल छोटी हैं। दानिया शाह ने हक महर में आमिर लियाकत से 15 करोड़ रुपए, घर और गहने मांगे हैं। उधर आमिर लियाकत ने दानिया शाह के आरोपों का खंडन किया है। आमिर लियाकत ने कहा कि उन्होंने दानिया शाह से कभी मारपीट नहीं की। फिलहाल आमिर लियाकत की कम उम्र बीवी ने उन्हें छोड़ ही दिया है।